तमाम देखने वाले मौजूद व्यूवर्स को AH इंफॉर्मेटिव व्लॉग की तरफ से खुश आमदी, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले व्यूवर्स के गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उसमें जल्द मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं भीलम शहीद दरबार पर। जी, जिनका असल नाम मोहम्मद हुसैन था, जो बाद में मारूफ हुए हैं हजरत भीलम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। भीन कौम से तल्लुक रखते थे। मोहिपुर मौजा भीन नजकदीद रह जन्म के साथ इनका जन्म हुआ है 1802 में। ये जो जर्नैल थे बहराम सिंह, वो इस इलाके में बहुत तब किया करते थे, मुसलमानों को करने आम करते थे। इस तरह इस इलाके में कोई नेक आपदा खातून रहती थी जिनके खानदान को जर्नैल सिंह ने कत्ल कर दिया था। अल्लाह ताला से बहुत रोज़ रोकर दुआ की थी कि हम मुसलमानों के लिए किसी फरिश्ते को भेज। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद हुसैन अलमारूफ भीलम शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये ताकत दी कि वो इन जालिमों के साथ लड़े। इलाके के मकीनों से जो हमने तफसीलात जानी है उसके मुताबिक ये मोहम्मद हुसैन अलमारूफ हजरत भीलम शहीद लड़ते लड़ते इनका सर कलम हो गया था। ये तकरीबन 3 किलोमीटर तक बिना सर के जर्नैल सिंह के सिपाहियों के साथ जंग करते रहे और आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जहां इनका दरबार मौजूद है, भीलम शहीद के नाम से मशहूर है, वहां पर इन्होंने 1837 में 4 चैत को जामे शहादत नोश फरमाया। और 4 और 5 चैत को ही यहाँ पर बाकायदा सालाना उर्स किया जाता है, मेला लगाया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के झूले होते हैं, लंगर न्याज और दूर दूर से लोग नजर व न्याज लेने
और देने के लिए आते हैं, साथ दरबार शरीफ पर हाजिर होते हैं। इसके साथ साथ लोग मनते मुरादे यहाँ पर मानते हैं और अल्लाह ताला इनके तो फैल उनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं।